मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने मुरैना श्योपुर लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में जीवाजीगंज में एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद रोड शो किया। इस दौरान भाजपा के लिए वोट करने की अपील भी जनता से की। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण के होने वाले मतदान में मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट भी शुमार है, जहां 5 मई को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का रथ सभी दलों का थम जाएगा। यही वजह है कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में आज प्रचार प्रसार करने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले तो जीवाजीगंज स्थित जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद रथ में सवार होकर एक रोड शो किया। इस दौरान जीवाजीगंज से शुरू हुआ रोड शो गर्ल्स स्कूल रोड होते हुए सदर बाजार, पुरानी कलेक्ट्रेट से निकलकर गणेशपुरा की पुलिया पर पहुंचा, जहां स्वर्गीय श्री जवाहर सिंह शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो का समापन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रत्याशी लोकसभा के श्री शिवमंगल सिंह तोमर के लिए मैं आज रोड शो करने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हम धीरे धीरे करके जैसे चुनाव के नज़दीक पहुँच रहे हैं, हमारी एक तरह से माननीय मोदी जी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही मध्य प्रदेश में, तो इसका एहसास भी हो रहा। मैं भी उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के साथ में उस कार्यक्रम में था, बदायूं, और एक और लोकसभा में था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ भी माहौल बना और यहाँ भी बना है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके, मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे, दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूँ कि तुरंत उनका अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो दिखे कि हाँ, ये माता बहनों का इज्जत करना जानते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनकी जो चरित्र है वो उसी तरह रहेंगे। मैं तो घोर निंदा करता हूँ उनके इस बयान की भी उनके। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।